तालिबान के नाम पर विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कैसे सदन के भीतर घेरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यह देखिए। यह भी देखिए कि कैसे माफियाओं के घरों पर चल रहे बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बयान दिया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कहां जाटों के पंचायतों में पड़ी है फूट, और साथ साथ अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातीय जनगणना की अपनी मांग दोहरा दी है। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं आज का यूपी। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज तमाम सवालों के बाद आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जवाब सदन में रखा, और उस जवाब में मुख्यमंत्री ने कई बातों पर जोर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा जोर तालिबान और माफियाओं पर चल रहे बुलडोजर पर था। तो आज सुनिए किस तरीके से तालिबान के मामले में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है, और कैसे तालिबान का समर्थन करने पर खासकर समाजवादी पार्टी के सांसद और कई लोगों ने जब इसका समर्थन किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे लोगों के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। सीधा इशारा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि उनके ही सांसद ने सबसे पहले तालिबान का समर्थन किया था। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने भी खुलकर तालिबान का समर्थन किया है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में सबको खरी खरी सुनाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूं तो डेढ़ घंटे के अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने सभी मुद्दों पर बोला, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पर खूब तालियां बजी, और एक मुद्दा ऐसा जिसे इस वक्त पूरे देश में बड़े गौर से देखा जा रहा है, और वो मुद्दा है माफियाओं के खिलाफ चल रहे बुलडोजर का। और इसमें भी योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ही सही, बुलडोजर के माध्यम से ही कांग्रेस को घेर लिया। पहले सुनिए क्या कहा है योगी आदित्यनाथ। ये प्रस्तुतियां बदली हैं, अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं कही बल्कि ध्वस्त भी की है। राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। दरअसल माफियाओं पर बुलडोजर के बहाने योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को इसलिए घेरा क्योंकि मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पंजाब में बचाती हुई दिखी थी, और आज इसी बात पर उन्होंने कहा कि माफियाओं के पीछे पीछे बुलडोजर वहां तक जाएगा जहां तक वो छिपे हैं, यानी कि इशारा सीधे कांग्रेस पर था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर तब हमला हुआ था जब वो राकेश टिकैत के गांव में पहुंचे थे, और उस हमले के बाद से जाटों के बीच दो फाड़, दो खाप अलग अलग दिखाई दे रहे थे, गठवाला खाप और बालियान खाप। ये दोनों अलग हो गए थे, दोनों की अलग अलग मीटिंग हुई। उमेश मलिक गठवाला खाप से हैं जबकि नरेश बालियान और राकेश टिकैत बालियान खाप से। जैसे ही उमेश मलिक पर हमला हुआ उसके बाद दूसरे खाप में अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखी गई, और इन लोगों ने एक अलग पंचायत कर खुद को बालियान खाप से अलग करने की बात कह दी।
दोनों खापों में अलग अलग बयानबाजियां हुई और दोनों खाप एक तरीके से आमने सामने आ गए। जाटों के ये दो खाप बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनमें टूट का मतलब है कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन का कमजोर होना, क्योंकि इस वक्त BKU के साथ लगभग सभी खाप जुड़े हुए थे। उमेश मल्लिक के मुद्दे पर नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयानबाजी की थी और कहा था कि उन्हें मना किया गया था गांव में आने, लेकिन जब खापों की बात आई, जब जाटों के भीतर जाति की बात आई, तो खाप में टूट साफ दिखाई दी। गढ़वाला खाप के लोग सीधे सीधे उमेश मल्लिक के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने चेतावनी भी दे डाली थी। बालियान खाप और गढ़वाला खाप के बीच की इस लड़ाई का फायदा BJP को हो सकता था, लेकिन किसानों के नाम पर एक बार फिर से दोनों में सुलह की कोशिशें शुरू हो गई और आने वाली पंचायत में यह कहा जा रहा है कि दोनों खापें एक साथ मिलकर ये पंचायत करेंगी, लेकिन दिलों में दरार पड़ चुकी है। केंद्र में बने तमाम नए मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं। अनुप्रिया पटेल प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर तक इस जन आशीर्वाद यात्रा में NDA के कामकाज को लोगों के बीच ले जा रही हैं, लेकिन सरकार और NDA का एजेंडा एक तरफ और अनुप्रिया पटेल का अपना राजनीतिक एजेंडा भी साथ साथ चल रहा है। अनुप्रिया पटेल BJP की सहयोगी जरूर हैं, लेकिन अपनी बात रखने से नहीं चूकती और लगातार वो जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा में के दौरान भी अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है कि जनसंख्या की जो गिनती हो रही है, जनगणना हो रही है, उसमें जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के तमाम दल, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर जितने दूसरे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद पार्टी हो, ये सभी दल इस वक्त जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और उसी के सुर में सुर अनुप्रिया पटेल ने भी मिलाया है और अब NDA के भीतर से भी ये आवाज मुखर होने लगी है। आप देख रहे होंगे कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी इस मुद्दे पर एक हैं और वही मांग अब उत्तर प्रदेश में भी सहयोगी दलों की तरफ से उठने लगी है। अब देखना यह है कि जातीय जनगणना की मांग जब जोर पकड़ रही है तो सरकार क्या इसके आगे झुकती है या फिर वो उसके गले की फांस बन जाता है। चलते हैं अगली खबर की। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट इस बार पेश किया है। मॉनसून सत्र में 4.5 साल जब योगी सरकार के हो गए तो उन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट रखा है। दरअसल इस बजट के माध्यम से कई चीजें साधने की कोशिश हुई है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते और महंगाई भत्ते को लेकर के भी बात हुई है। जो युवा हैं, यूथ हैं, उनके लिए योगी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया है, जिससे उन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप बांटे जाएंगे और 1 करोड़ युवाओं को ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने की बात है। किसानों के लिए भी अलग से और फंड रखा गया है ताकि गन्ना भुगतान और दूसरे मामलों में किसानों को पैसे दिए जा सकें। यानी युवा किसान और साथ साथ सरकारी कर्मचारियों पर योगी सरकार अच्छा खासा खर्च करने जा रही है और अनुपूरक बजट में 7,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा रखा गया है। हालांकि विपक्ष ने इसे बिल्कुल ही बेकार बताया है। उनके मुताबिक जब भारी भरकम बजट पहले से ही योगी सरकार पेश कर चुकी है तो इस अनुपूरक बजट की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये था आज का यूपी। तो हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपको जाने से पहले बता दें कि 2022 चुनाव तक हम आपके लिए लाते रहेंगे स्पेशल कवरेज, चुनाव पर विशेष इंटरव्यू, सभी बड़ी खबरें और साथ साथ कॉन्क्लेव की एक पूरी श्रृंखला, और ये सब आप देख सकेंगे यूपी तक पर हमारे विशेष कार्यक्रम यूपी किसका।